हेलो हमारे यूट्यूब फ्रेंड, मैं सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल पटना के आशा में। देखिए, आज मैं आटा और मसूर दाल से आपको आज बहुत अच्छा रेसिपी जा रही हूँ देने। फ्रेंड, आज मैं आपको दाल की दुल्हन रेसिपी जा रही हूँ बतलाने कैसे बनाएं। देखिए, ये पानी मैं थोड़ा सा भी पहले चढ़ाई हूँ। फ्रेंड, आप एक से एक जग पानी ले लें और उसमें थोड़ा सा देखिए नमक हल्दी डाल के थोड़ा सा उबाल लें। उसके बाद मसूर का दाल अच्छी तरीके से धो लेना है 2 से 3 पानी तक। और उसके बाद दाल को इसमें डाल दें। जब दाल हमारा अभी अच्छी तरीके से इसे पकने दीजिए, इस तरीके से थोड़ा सा चला देंगे। फ्रेंड, चलाने के बाद इसे पकने दें। अब फिर मैं अब आटा गूँथूँगी और आपको बताऊँगी कि दाल की दुल्हन कैसे बनाएं। बहुत अच्छा रेसिपी है, आप लोग भी ज़रूर बनाएं। आज मैं ये शाम का मैं यही रेसिपी है हमारा, आप ज़रूर हमारा पूरा भी वीडियो वॉच कीजिए फ्रेंड, तभी समझ में आएगा कि आज की मैं क्या कैसे बता रही हूँ रेसिपी। ज़रूर आप लोग देखिए, बहुत अच्छा रेसिपी है। अब दाल को क्या करना है फ्रेंड, आप थोड़ा देर ढक के इसे आराम से धीरे धीरे पकने दें। तब तक मैं देखिए आटा को गूँथ लेना है। आटा आप अपने ही हिसाब से ले सकते हैं फ्रेंड, अगर आपको पूरा से बनाना है सबके लिए तो आप ज़्यादा लें, अगर कम बनाना है तो आप थोड़ा से इसे भी बना सकते हैं। मैं तो पूरा सबके लिए बना रही हूँ, तो देखिए मैं आटा थोड़ा सा ज़्यादा ही ली हूँ। अब आटा को अच्छा तरीके से सानना है, मुलायम से, जैसे आप रोटी का आटा सानते हैं फ्रेंड, उसी तरीके से हमें इसका आटा गूँथना है। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगता हो फ्रेंड, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। देखिए फ्रेंड, हम आटा अच्छी तरीके से गूँथ ली हूँ और एक तरफ आप थोड़ा सा परथन रख लें आटा। अब मैं देखिए इस तरीके से क्या करना है, पतला पतला इतना ही बेलना है, इसे ज़्यादा नहीं बेलना है फ्रेंड। अब देखिए मैं बताती हूँ कैसे बनाना है। इस तरीके से खाली सबका कोना पकड़ लेना है, चारों कोना से, और इस तरीके से करके दाब देना है। देखिए देखिए कितना खूबसूरत बन गया ये, जब बनने के बाद खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड। इसी तरीके से मैं सारा को बना लेना है। पहले आप देखिए क्या करेंगे, इस तरीके से करके मैं छोटा छोटा सा गोला काट लूँगी, जैसे रोटी बनाते हैं उतना उतना नहीं फ्रेंड, एकदम छोटा छोटा, पूरी से भी छोटा छोटा गोला लेना है। पहले सारा गोला काट लूँगी, उसके बाद फिर मैं बेलूँगी। तब तक हमारा दाल मैं चढ़ा के रखी हूँ, दाल हमारा बन रहा है। जब तक दाल हमारा बनेगा फ्रेंड, तब तक मैं ये सारा बना लूँगी। देखिए इस तरीके से आपको गोला करके इस तरीके से आप बेलना है। देखिए इस तरीके से आप इसे बेल के सारा रख लें। अब बेल के रखने के बाद मैं अभी बताई हूँ, मैं आपको 2-3 तरह के तरीके से बताऊँगी डिज़ाइन, कि आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। इस तरीके से आप बनाइएगा फ्रेंड, बच्चे भी बहुत प्रेम से खाएंगे, बड़े भी खाएंगे, क्योंकि ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में और हेल्दी भी है। दाल और आटा से है तो कोई हानिकारक भी नहीं है फ्रेंड, इसलिए आप बना सकते हैं आराम से। देखिए इस तरीके से लेके सारे को, ये देखिए पूरी से भी छोटा गोला है थोड़ा, हम इससे जब पूरी बनाते हैं तो थोड़ा पूरी का भी गोला हमारा बड़ा ही रहता है। अब इसी तरीके से मैं सारा को पहले बेल लूँगी, अब बेलने के बाद फिर मैं उसे कोई डिजाइन दूँगी इस तरीके से। आज सुबह मैं वीडियो बहुत अच्छा दी थी फ्रेंड, बताई थी आटा का इडली कैसे बनाए, सारा वेजिटेबल डाल के, सब्जी डाल के कैसे बनाए, बहुत टेस्टी लाजवाब। मैं आज सुबह का भी हमारा वीडियो था, आप ज़रूर देखिए एक बार जाके हमारे चैनल पे, बहुत अच्छा रेसिपी दी थी, आप लोग भी देख के ज़रूर बनाए एक बार उसे। अब देखिए क्या करना है, ये सारा मैं बेल चुकी हूँ। देखिए एक बार में आप इतना सारा बेल लें, अब बेलने के बाद इसे फिर आप थोड़ा परथन लगा के बेलें फ्रेंड, क्योंकि थोड़ा सा आटा इसमें सटा रहता है, उससे और भी ज़्यादा अच्छा और गाढ़ा बनता है। तो और ये जब भी बनाएं तो आप मसूर के दाल में बनाएं, मसूर का दाल का जो बनता है बहुत टेस्टी बनता है, या तो फिर मसूर का दाल नहीं तो मूंग दाल में बनाएं फ्रेंड, ये दो दाल में ही इसका ये रेसिपी बहुत टेस्टी लाजवाब बनता है। देखिए अब इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, चार कोना को आप धर लीजिए, चारों कोना को धर के इस तरीके से देखिए दाब देना है। देखिए ये हमारा बन गया,
थोड़ा सा बर्तन लगा के ही करिएगा, क्योंकि बर्तन लगा क्योंकि अभी मैं बना के सबको एक जगह रखूँगी तो ये चिपकेगा नहीं, इसीलिए थोड़ा सा बर्तन लगा रहे हैं। अगर बर्तन नहीं लगाइएगा तो सब एक दूसरे में फ्रेंड चिपक जाएगा और फिर से आपको सारा बनाना पड़ेगा, इसीलिए बर्तन लगा के ही बनाएं। आप चाहे तो तीन कोना से भी बना सकते हैं, अगर चार कोना नहीं समझ में आ रहा हो तो आप देखिए इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये तो खैर सिंपल है, ये आराम से आप लोग से भी बन जाएगा, ये बहुत अच्छा। इस तरीके से भी बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये और इस तरीके से बेल के बनाइएगा तो ये एकदम पतला पतला है, खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। इसी तरीके से सारे को बना लेना है, देखिए कितना सुंदर से बन रहा है तीन कोना। थोड़ा सा बर्तन लगा के रखिए, क्योंकि अगर बर्तन नहीं लगाएंगे तो ये सारा जो होगा सट जाएगा तो फिर दिक्कत करेगा फ्रेंड, इसीलिए थोड़ा सा बर्तन का भी यूज करें। अब देखिए मैं दूसरा डिज़ाइन आपको बतलाने जा रही हूँ, आप लोग को कैसा लगता है हमारा वीडियो प्लीज़ ज़रूर कमेंट भी कीजिए और लाइक कीजिए हमारे चैनल को, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड, आप लोग का सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है हमें। देखिए इस तरीके से भी आप चाहे तो बना सकते हैं, इस तरीके से गोल गोल करके और हाथ से इस तरीके से दाब देना है। थोड़ा सा नहीं होता आप सारा पे परथन ही छिड़क दें आटा, और उसके बाद इस तरीके से आप गोल गोल गोला बना के इस तरीके से आराम से बना सकते हैं। देखिए इस तरीके से आप बना सकते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड, हेल्दी भी है, कुछ झंझट नहीं है, तुरंत बनने वाला रेसिपी है, ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। अब ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट में ये रेसिपी आप अच्छा से बना के तैयार कर सकते हैं। दाल तब तक मैं उधर चढ़ाती हूँ फ्रेंड, दाल जब तक हमारा हो रहा है, देखिए ये मैं सारा बना ली हूँ। अब देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इतना अच्छा पतला पतला देखने में लग रहा है, ये बनने के बाद भी सोचिए कितना अच्छा लगेगा। इसी तरीके से सारा को बना लेना है। अब बनाने के बाद देखिए अब क्या होगा फ्रेंड कि दाल जो है हमारा अच्छा से, देखिए अभी पूरा नहीं ये तैयार हुआ है दाल फ्रेंड, अभी अब मैं क्या करूँगी, दाल हमारा आधा पक चुका है, आधा जब आधा दाल आपका तैयार हो जाए तो आधा मैं आप ये बनाई हूँ, सो इसको डाल देना है सारे को। और डालने के बाद क्या करना है, इसे अब दाल और ये दोनों एक साथ पकेगा, जब ये आराम से पक जाएगा फ्रेंड तो देखिएगा कितना अच्छा एकदम पीला कलर का एकदम आपका ये तैयार हो जाएगा। इसी को कहते हैं फ्रेंड दाल की दुल्हन, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, लगेगा ये बनने के बाद देखिएगा ये कितना सुंदर लगेगा दिखने में। अभी तो ये खैर आधा दाल आधा पका हुआ है, आधा कच्चा है, और अब मैं ये जो डाली हूँ ये दोनों एक साथ इसी तरीके से आराम से अब इसे पकने दें थोड़ा सा। और देखिए क्या करना है कि थोड़ा सा आप नीचे से इसे चलाते रहिएगा, नहीं तो अगर थोड़ा सा भी सटेगा तो टेस्ट बिगड़ जाएगा। इसे चलाते हुए इसे आराम से आप पकने दें। अब चलाने का मतलब ये नहीं है कि आप हर समय नहीं फ्रेंड, बस एक से दो बार इसे चलाना है, ज़्यादा नहीं चलाना है, बस एक बार जब डालिए तब चला दीजिए छुलनी से, मतलब किसी भी चम्मच उम्मच से, और फिर बाद में एक बार बीच में चला देना है, ज़्यादा नहीं चलाना है, नहीं तो फिर टूटने लगेगा, क्योंकि पतला पतला बेल के बनाई हूँ इसीलिए। अब इसे आराम से आप बनने दीजिए, अब बनने के बाद देखिए ये कितना सुंदर रेसिपी आपका तैयार होगा। आप इसे चोखा बना लीजिए, आलू का, चाहे कुछ भी बना लीजिए, चाहे चटनी के साथ भी इसे ले सकते हैं, बहुत अच्छा रेसिपी है। देखिए फ्रेंड ये हमारा बनके तैयार है। अब इसे क्या करना है, थोड़ा जीरा और तेल में लेके इसे छौंका दे देना है, देखिए इस तरीके से जब बन जाएगा आपका तो कुछ इस तरीके से, देखिए ये हमारा सारा बन गया है, देखिए कितना अच्छा देखने में लग रहा है। अब कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं है फ्रेंड, कम मेहनत में एक अच्छा सा मैं रेसिपी आपको बतला रही हूँ। देखिए दाल की दुल्हन हमारा रेसिपी तैयार है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, सपोर्ट कीजिए कि हर रोज़ मैं कुछ न्यू वीडियो आप लोगों के लिए इसी तरीके से लेके आती रहूँगी। देखिए फ्रेंड ये हमारा कितना अच्छा है, और देखिए पतला पतला है बन के बनाई हूँ, सो बहुत अच्छा रेसिपी है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए। फिर मिलती हूँ फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।